भारत माता की जय। दोस्तों, हम सभी देशवासियों के लिए एक बार फिर से हृदय विदारक घटना। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में रविवार को एलओसी पर घुसपैठ करने के प्रयास कर रहे आतंकवादियों से लोहा लेते हुए भारत के जवान एवं राजस्थान के लाल छत्रपाल सिंह शहीद हो गए हैं, जिसकी सूचना सोमवार को मिली तथा उनके पैतृक गाँव पे पार्थिव शरीर मंगलवार को लाई गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, झुंझुनू जिले के छावसरी गाँव के रहने वाले थे। 5 साल पहले यानी 2015 में उन्होंने सेना में भर्ती हुए थे। छत्रपाल सिंह सेना के ट्रूपर के पद पर तैनात थे, जो कि 4 पैरा यूनिट के थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1997 को हुआ था और महज 23 साल के उम्र में उन्होंने मां भारती की रक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। सबसे दुख की बात यह है कि 29 दिन की छुट्टी पे वो घर आए थे और वापस 9 मार्च को ही ड्यूटी ज्वाइन किए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि उनके परिवार में उनके माता शशिकला देवी तथा पिता सुरेश कुमार पाल और एक भाई हैं। जैसे ही उनके पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पे आई कि नारों से गूंज उठा, भारत माता की जय और वीर शहीद छत्रपाल सिंह अमर रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे भारत में अभी कोरोना का कहर चल रहा है और इस कोरोना के कहर में ऐसे वीर शहीद जवान जब शहीद होते हैं तो हम सभी देशवासियों के ऊपर क्या गुजरता है। वैसे एक सच्चे भारतीय होने के नाते एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों।